बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक होम्योस्टेसिस। लर्निंग आउटकम ऑफ होम्योस्टेसिस आर एज फॉलो। इसमें जो पहला लर्निंग आउटकम है वो अंडरस्टैंड द टर्म होम्योस्टेसिस है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं, रिसेप्टर्स, सेंट्रल कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन सिस्टम, इफेक्टर्स एंड नेगेटिव फीडबैक, ये टर्मिनोलॉजीज हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो लर्निंग आउटकम है वो ये है कि इसमें स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड इट्स फंक्शन, ये दो चीजें इसमें शामिल हैं, और इसी के साथ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद एसोसिएटेड जो ब्लड वेसल्स हैं नेफ्रॉन्स के साथ, और उसकी जो तीन मेन फंक्शन है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, रीअब्सॉर्प्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है नेफ्रॉन के, उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तीसरा जो लर्निंग आउटकम है इस टॉपिक का वो एक्सप्लेन द टर्म ऑस्मोरेगुलेशन एंड थर्मोरेगुलेशन, ये दो टर्म्स को एक्सप्लेन हम करेंगे। और जो फोर्थ इसका जो लर्निंग आउटकम है उसमें टाइप्स ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स, वेरियस टाइप ऑफ किडनी प्रॉब्लम जिसके अंदर किडनी स्टोन्स हैं, और इसमें रिनल फेलियर है और उनके क्यूर्स हैं, ये उनकी ट्रीटमेंट। इसके अंदर लिथोट्रिप्सी है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, ट्रांसप्लांट और डायलिसिस के आगे दो डिफरेंट टाइप्स हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस है और हीमोडायलिसिस। तो ये हमारे लर्निंग आउटकम है लेक्चर नंबर 9 के, जिसका टॉपिक होम्योस्टेसिस है। अब इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। होम्योस्टेसिस बेसिकली जब हम डिस्कस करते हैं होम्योस्टेसिस को, तो उसके अंदर तीन मेन हेडिंग्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस होम्योस्टेसिस कॉन्टेक्स्ट। इसमें ऑस्मोरेगुलेशन है और थर्मोरेगुलेशन है इसमें, और तीसरा इसमें एक्सक्रीशन है। तो तीन एस्पेक्ट से हम होम्योस्टेसिस को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले ऑस्मोरेगुलेशन है, थर्मोरेगुलेशन है और एक्सक्रीशन है। ऑस्मोरेगुलेशन को अगर हम देखें तो मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ सोल्यूट एंड गेन और लॉस ऑफ वाटर बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, ये इसके की वर्ड्स हैं ऑस्मोरेगुलेशन के, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर सोल्यूट एंड वाटर का लॉस होना बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। उसके बाद जो थर्मोरेगुलेशन है सेम वो मैकेनिज्म है जिसके अंदर मेंटेनेंस है ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज, टॉलरेबल रेंज के अंदर जो मेंटेनेंस है इंटरनल टेम्परेचर की उसको हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। और इसी तरह से ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट है उसका बॉडी से रिमूव होना, उनको एलिमिनेट होना, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो तीन एस्पेक्ट्स के अंदर होम्योस्टेसिस को हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इसी चीज को बेस बनाते हुए हम यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो इसी कॉन्टेक्स्ट में है, इसी ही कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये क्वेश्चन है। द प्रोसेस थ्रू विच बॉडी मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल, तो चूंकि स्टार्ट के अंदर हमने होम्योस्टेसिस का जिक्र किया है तो जो इंटरनल इन्वायरमेंट्स हैं उसको मेंटेन करना नैरो रेंज के अंदर अकॉर्डिंग टू द फ्लक्चुएशन एक्सटर्नल, तो वो जो इंटरनल चेंजेस हैं वो ऑस्मोरेगुलेशन के फॉर्म में हो सकती हैं, थर्मोरेगुलेशन के फॉर्म में हो सकती हैं, एक्सक्रीशन के फॉर्म में हो सकती हैं, लेकिन उनको कलेक्टिवली हम ये कहते हैं कि वो होम्योस्टेसिस के अंदर वो चीज डिस्कस की जाएगी। होम्योस्टेसिस एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर ये तीनों चीजें कवर होती हैं। मैकेनिज्म और होम्योस्टेसिस को अगर हम देखें तो होम्योस्टेसिस का जो मैकेनिज्म है उसको हम दो लेवल के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं इस जो लर्निंग आउटकम के कॉन्टेक्स्ट में। एक तो सेलुलर लेवल होता है और दूसरा इसमें ऑर्गेनिज्मिक लेवल पाया जाता है। जो सेलुलर लेवल है वो चूंकि सेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होते हैं या सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनके अंदर जो सोल्यूट वाटर या वेरियस एसेंशियल मेटाबॉलिक एक्सक्रीशन के रेफरेंस से सोल्यूट और वाटर विद रेफरेंस टू ऑस्मोरेगुलेशन एंड मेटाबोलिट कीप फ्लक्चुएटिंग इन नैरो रेंज, तो जितना उनका साइज है सेल का तो उसी हिसाब से उसके अंदर जो चेंजेस आएंगी वो नैरो रेंज में होंगी, लेकिन उसका जो सेल का बिटवीन इंट्रा सेलर एनवायरमेंट एंड एक्स्ट्रा सेलर एनवायरमेंट, एक सेल के इंटरनल जो चेंज है एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलर एनवायरमेंट वो नैरो रेंज में होती है। सो द कीवर्ड सेलर लेवल के ऊपर हम देखें तो वो नैरो रेंज के अंदर चेंज आती है, चूंकि सेल का जो साइज है वो ऑर्गेनिज्म के मुकाबले में कम है, लिहाजा उसके अंदर जो चेंज आएगी वो
नैरो रेंज के अंदर होगी, उसका इंटर सेलुलर एनवायरनमेंट जो है उसमें और उसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, अगर तो ये मल्टी सेलुलर है तो उसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट बनेगा वो इंटरस्टिशियल सेल स्पेस के अंदर जो फ्लूड है वो बन सकता है, और एक सेल है तो उसका सराउंडिंग बनेगा। इसी तरह से जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आएगा ऑर्गेनिज्मिक लेवल, तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसने अपने आप को अडेप्ट करना होता है, अपने आप को एडजस्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सो द की वर्ड विद रेफरेंस टू ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्मिक लेवल, उसका इंटरनल विद रेफरेंस टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और सराउंडिंग उसको हम कहते हैं। लेकिन विद रेफरेंस टू अगर हम सेल देखें तो सेल का जो बनेगा वो इंट्रा सेलर विद रेफरेंस टू एक्स्ट्रा सेलर। सो दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यहाँ पे। सेल के लेवल को देखेंगे तो वो नैरो चेंज है, लेकिन ऑर्गेनिज्म के लेवल को देखेंगे तो वो ब्रॉडर या वाइडर चेंज होती है। इसको हम इस डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट्स सी कि ये एक ऑर्गेनिज्म का लेवल, अगर हम इसको देखें कि ये पूरे का पूरा एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये सेल्स मौजूद हैं। लेट्स सी कि ये इसके अंदर सेल्स मौजूद हैं, और सेल ये वाली जो स्पेस है, लेट्स सी ये वाली जो स्पेस है इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट का नाम देंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। और अगर हम इस ऑर्गेनिज्म को इसके रेफरेंस में देखें कि इसका जो सराउंडिंग बनेगा वो डेफिनेटली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बनेगा, तो एक तो कंपैरिजन किया जा रहा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का विद रेफरेंस टू ऑर्गेनिज्म इंटरनल एनवायरनमेंट, और दूसरा जो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है वो इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट विद रेफरेंस टू एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। तो ये जो कंपैरिजन है ये सेल की लेवल के ऊपर है, लेकिन ये जो कंपैरिजन है ये ऑर्गेनिज्म के लेवल के ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जो चेंज आएगा विद रेफरेंस टू सेलुलर लेवल वो नैरो होगा, एक्सट्रीमली नैरो होगा। यहाँ पे मेंशन है बुक की जो डायग्राम है उसके अंदर, अगर वो सेल के लेवल के ऊपर होगा तो वो एक्सट्रीमली नैरो होगा, और अगर ये चेंज बिटवीन एक्स्ट्रा सेलर इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट होगा तो वो वाइडर रेंज होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। यहाँ पे दो तरह के एनवायरमेंट है, एक इंट्रा सेल एनवायरमेंट है, एक एक्स्ट्रा सेल एनवायरमेंट है और एक एक्सटर्नल एनवायरमेंट है। तो जो सबसे ज्यादा नैरो चेंज होगा वो इंट्रा सेलर और एक्स्ट्रा सेलर के दरमियान होगा, और उसके बाद जो वाइडर डिफरेंस होगा वो इंटर सेलर और एक्सटर्नल एनवायरमेंट के दरमियान होगा। तो सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये फ्लक्चुएशन दिखाई गई है जो कि नैरो रेंज में है, और जबकि ये वाली जो फ्लक्चुएशन है ये एक्सट्रीम नैरो रेंज में है, जबकि ये वाली जो फ्लक्चुएशन है ये वाइडर रेंज में है। तीन एनवायरमेंट यहां पे डिस्कस किए गए हैं। जूं जूं एनवायरमेंट का साइज बढ़ता जाएगा ये फ्लक्चुएशंस भी वाइडर होती जाएंगी, ऑर्गेनिज्मिक इंटरनल एनवायरमेंट और ये इसका एक्सटर्नल एनवायरमेंट। कंट्रोल सिस्टम की जो एंड होम्योस्टेसिस को अगर हम देखें तो लिविंग कंट्रोल सिस्टम को हम एक कंपेयर कर सकते हैं एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के साथ। तो लिविंग कंट्रोल सिस्टम को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो उसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के साथ। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के जो बेसिक कॉम्पोनेंट्स बनेंगे वो तीन कॉम्पोनेंट इसके होते हैं। एक तो इसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम सेंसर्स कहते हैं, जो कि डिटेक्ट करते हैं किसी भी चेंज को, वो एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है। तो ये रिसेप्टर जो सेंसर हैं ये सिग्नल सेंड करेंगे कंट्रोल सेंटर को, तो कंट्रोल सेंटर उस डेटा जो सेंड हुआ है उसको इंटेग्रेट करेंगे जो सेंसर की तरफ से आया है, और उसको स्टोर करेंगे और रीसेट करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली जो मैसेज कंट्रोल सेंटर से आएगा वो डेफिनेटली इफेक्टर की तरफ आएगा, और इफेक्टर इफेक्ट करेंगे उस वेरिएबल के ऊपर जिसके अंदर चेंज आई है। सो एक बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर तीन चीजें हैं, एक तो रिसेप्टर हैं जिनको सेंसर कहेंगे, दूसरे इसके अंदर कंट्रोल सिस्टम है, और तीसरी जो चीज है उसको हम इफेक्टर कहते हैं जो कि इफेक्ट कॉज करें। अगर हम फिजिकल कंट्रोल सिस्टम को लिविंग के अंदर अप्लाई करें तो लिविंग के अंदर ये जो कंट्रोल सिस्टम होम्योस्टेसिस कंट्रोल होता है वो बाय द प्रोसेस बाय द मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक, तो फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो कंट्रोल कर रहा है होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को। तो जो डेफिनेशन दी गई है बुक के अंदर चैप्टर 15 के अंदर जो के फर्स्ट पेज के अंदर ही गिवन है, तो उसमें डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग इफेक्ट इफेक्टर रिस्पॉन्स
इज अ फीडबैक, ये एक डेफिनेशन टेक्स्ट बुक के अंदर एज सच दी हुई है और ये एमसीक्यूज की फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में आ भी चुकी है. दो तरह के फीडबैक मैकेनिज्म हो सकते हैं, होते हैं, एक नेगेटिव फीडबैक है और दूसरा पॉजिटिव फीडबैक है. जस्ट फॉर डेफिनेशन, जस्ट फॉर क्लियरिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है, इसका पर्पस जस्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. फीडबैक दैट रिड्यूस द आउटपुट ऑफ अ सिस्टम, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो आउटपुट आ रहा है, जो प्रोडक्ट आ रही है किसी भी प्रोसेस की, उसको रिड्यूस किया जाए तो उसको हम नेगेटिव फीडबैक के अंदर लेके आते हैं. और इसमें बुक के अंदर हम डिस्कस करते हैं वाटर लेवल जो है बॉडी का वो नेगेटिव फीड के, और इस तरह से ब्लड शुगर लेवल जो है, ये दो एग्जांपल हम इसकी कोड कर सकते हैं. लेकिन मैं अगेन बता दूं कि ये डेफिनेशन फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए दी गई है, समझाने के लिए दी गई है. पॉजिटिव फीडबैक को अगर हम देखें तो वो फीडबैक का प्रोसेस जो कि इंक्रीज करे आउटपुट ऑफ द सिस्टम, एक प्रोसेस हो रहा है और वो प्रोसेस का जो आउटपुट है वो उसी ही सिस्टम को इन्हेंस करता जाए, उसको बढ़ाता जाए, तो उसको हम पॉजिटिव फीडबैक का नाम देंगे. लेकिन जो रिड्यूस करेगा उसको हम नेगेटिव फीडबैक का नाम देंगे. चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस है ये पॉजिटिव फीडबैक की एक बेस्ट एग्जांपल है कि उसके अंदर जो पॉजिटिव फीडबैक होता है जिसकी वजह से वो प्रोसेस इन्हेंस होता है. इसी तरह रैपनिंग ऑफ फ्रूट है, एथिलीन प्रोड्यूस होती है और वो प्रोड्यूस होती जाती है जिसकी वजह से रैपनिंग आगे चलती जाती. तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये दो चीजें आपके साथ शेयर की गई हैं एग्जांपल, इसको अप्लाई कर सकते हैं. अब टेक्स्ट बुक का जो कॉन्सेप्ट है नेगेटिव फीडबैक के हवाले से, उसको कुछ इस तरह से वो डिफाइन करते हैं कि इनवर्स इफेक्टर रिस्पॉन्स टू द चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ये इसको डिफाइन किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखेंगे कि कूलिंग इफेक्टर जो है वो रिस्पॉन्स करेंगे टू द वार्म्थ सेंसिंग इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और उसको टर्म किया गया है नेगेटिव फीडबैक के हवाले से. तो नेगेटिव फीडबैक के अंदर किसी भी सिस्टम की जो आउटपुट है उसको रिड्यूस किया जाता है, उसको दोबारा बैलेंस किया जाता है, उसको दोबारा मिनिमाइज किया जाता है, उसको दोबारा स्टैंडर्ड लेवल के ऊपर लाया जाता है. तो ये डिफरेंस है नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक के हवाले से. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है. तो किडनी यूरिनरी सिस्टम को आगे हम डिस्कस करते हैं. किडनीज को अगर देखें तो वन पेयर किडनी मौजूद होता है, राइट किडनी लिटल लोअर है पोजीशन के लिहाज से देन लेफ्ट. बुक में जो डायग्राम दी गई है उस डायग्राम को अगर सामने रख के देखें तो जो राइट साइड वाला है वो लिटल लोअर होता है देन लेफ्ट बिकॉज ऑफ लिवर. इसी तरह से जो किडनीज हैं वो अकाउंट करते हैं जस्ट 1% ऑफ द बॉडी वेट. इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द वेट ऑफ किडनी. और जो किडनी रिसीव करते हैं और ब्लड फ्रॉम ईच कार्डिक, तो वो 20% है टोटल का जो ईच कार्डिक बीट में ये रिसीव कर रहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू किडनी. सेंट्रल पोर्शन जो बनता है किडनी का, जहाँ जिसको हम रिनल पेल्विस का नाम देते हैं. इसके बाद अगर स्ट्रक्चर अगर हम देखें किडनी की, तो स्ट्रक्चर में जो आउटर है वो कॉर्टेक्स है और इनर जो है वो उसको मेडुल्ला कहते हैं. बेसिक फंक्शन जो इसके अंदर परफॉर्म करने वाले यूनिट्स हैं उनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं. वैसे नेफ्रॉन आर द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मौजूद होते हैं पेयर ऑफ किडनी के अंदर. बुक के अंदर ये इंफॉर्मेशन गिवन है, तो कीवर्ड्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट. फंक्शन अगर हम देखें तो किडनी के बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन इस लेवल के ऊपर जस्ट दो फंक्शन डिस्कस किए गए. एक तो इसका, इसको हम एक्सक्रीटरी, मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसका जो मेन दूसरा काम है वो आस्मा रेगुलेशन है, वाटर लेवल को और ब्लड वॉल्यूम को ये कंट्रोल कर रहा है. बहुत सारे और फंक्शन है किडनी के जो कि इस लेवल के ऊपर डिस्कस नहीं किए गए इस इनके अलावा, लेकिन ये दो फंक्शन है मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन और आस्मा रेगुलेटरी, ये दो तो यहाँ पर डिस्कस किए गए. इसी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के अंदर ये डायग्राम एक दिखाई गई है, टेक्स्ट बुक की डायग्राम है, राइट लिटल लोअर है देन लेफ्ट से. तो किडनी के ऊपर ये एक येलोइश कलर का एक ग्लैंड मौजूद है. ये जो कि डायग्राम बेस क्वेश्चन हो सकता है, तो इनको, इसको हम एड्रिनल ग्लैंड का नाम देते हैं. और इसके ऊपर एक कवरिंग मौजूद होती है जो कि इसको पूरी कवर कर रही होती है फाइबरस, तो उस कवरिंग को हम रिनल कैप्सूल कहते हैं. लेकिन यहाँ पर रिनल मेंशन नहीं किया टेक्स्ट के अंदर उसने, लेकिन चूंकि विद रेफरेंस टू किडनी है तो इसको हम रिनल कैप्सूल कहते हैं. और राइट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो अंडरस्टैंडेबल है कि ये एक ब्लड वेसल है जो कि यहाँ से एंटर हो रही है, इस तरीके से इधर भी ये एंटर हो रही है.
दूसरी जो है वो यहाँ पे इस तरह से है, ये और ये इसके साथ। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये है कि इसके अंदर ये जो डिप्रेशन डिवेलप हो रहा है इसको हम हाइलस का नाम देते हैं। तो यहाँ से ये जो ट्यूब है, यहाँ से जो ओरिजिनेट हो रही है पेयर की फॉर्म में, जो कि आके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन होती हैं, उसको हम यूरेट्रा का नाम देंगे। तो ये राइट और लेफ्ट जो यूरेट्रा है वो यहाँ पे आके एंटर होती हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। खास बात जो इसके अंदर याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे यूरेथ्रल ऑरिफस मौजूद होते हैं, इसकी इंटरनल ओपनिंग होती है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन नहीं की गई। इसके बाद जो यूरिथ्रा है, और यूरिथ्रा आगे एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफस से एक्सटीरियर पार्ट की तरफ चला जाता है। अब इसमें जो डायग्राम जो क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, ये इसका रिनल जो कैप्सूल है ये इसका दिखाया है यहाँ पे, और इसके अंदर दो मेजर पार्ट जो हैं वो दिखाए गए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर भी। इनको हम रिनल पैरामिड्स भी कहते हैं, या इसको हम मेडुला कहते हैं, और जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और ये नीचे वाला जो पोर्शन है जिसको हाईलाइट किया गया है इसको हम मेडुला कहते हैं। यहाँ पे एक कैविटी डिवेलप होती है उसको हम रिनल हाइलस का नाम देंगे, डिप्रेशन जो इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद यहाँ से जो कैविटी डिवेलप होती है, इस कैविटी को हम कलेक्टिवली तौर पे रिनल पेल्विस का नाम देते हैं, और यहाँ से ओरिजिनेट होती है जिसको हम यूरेटर कहते हैं, जो कि आगे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाके ओपन होती है। तो स्ट्रक्चर के हवाले से जो एमसीक्यूज आ सकता है वो उसकी आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स का पूछा जा सकता है, मेडुला का पूछा जा सकता है, रिनल पेल्विस का पूछा जा सकता है, और बाकी इसके अंदर जो यूरेथल ऑरिफस कहाँ मौजूद है और इसमें जो यूरिथ्रा है वो कहाँ पे मौजूद होता है, तो इसकी लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके फंक्शन। नेफ्रॉन जो बेसिक फंक्शन यूनिट था उसको अगर हम देखें, तो नेफ्रॉन की जो जो टाइप्स हैं यहाँ पे उसको अगर हम देखें, तो यहाँ पे दो तरह के नेफ्रॉन डिस्कस किए हैं। कॉर्टिकल हैं नेफ्रॉन, लोकेशन की बेस पे उसको नाम दे सकते हैं, और दूसरे जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं। अगर हम इनको इन फीचर्स के अंदर डिस्कस करें, लोकेशन वाइज इसको अगर हम देखें, तो रेनल कार्पसल जो होते हैं वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है ग्लोमेरुलस का बोमेन कैप्सूल के साथ। तो बोमेन कैप्सूल एंड रेनल ग्लोमेरुलस कलेक्टिवली का रेनल कार्पसल। तो रेनल कार्पसल इनका अरेंज होता है अलोंग द रेनल कॉर्टेक्स, तो ये लोकेशन की बेस पे हम इसको नाम दे सकते हैं। लेकिन जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं, इनका जो रिनल कार्पसल है जिसको हम ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल का कॉम्बिनेशन कहते हैं, वो क्लोज द बॉर्डर है या जंक्शन ऑफ व्हाट, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स एंड मेडुला के जंक्शन के ऊपर अगर रिनल कार्पसल होगा तो उसको हम जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन ऑन द बेस ऑफ लोकेशन हम इसको कहेंगे। स्ट्रक्चर वाइज अगर हम इनको कंपेयर करें, तो इसमें शॉर्ट लूप ऑफ हेनल्स मौजूद होता है ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। कॉर्टिकल के अंदर शॉर्ट लूप ऑफ हेनल है, लेकिन जेक्स्ट्रा मेडुलरी के अंदर लॉन्ग डीप लूप ऑफ हेनल होता है, और उसके बेस पे नीचे जहाँ पे भी यू शेप बनेगा उसके अंदर एडिशनल ब्लड वेसल्स होती हैं जिसको वेजा रेक्टा कहते हैं। आगे चल के इसको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर नंबर देखें, जो कि यहाँ मेंशन नहीं है बुक के अंदर, जस्ट फॉर योर नॉलेज ये बताया जा रहा है कि इसमें 70-80% जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, लेकिन जेक्स्ट्रा मेडुलरी के जो नंबर हैं टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज है वो 20-30% ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। इसी तरह से अगर हम फंक्शन की बेस पे को देखें, तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर इसका जो मेन काम है वो फिल्ट्रेशन है, तो फिल्ट्रेशन या ब्लड वॉल्यूम को ये कंट्रोल करेगा। लेकिन जिस जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो हैं, ये स्पेसिफिकली इंस्ट्रूमेंटल स्ट्रक्चर्स हैं डिजाइन हुई इन द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। फिल्ट्रेशन दोनों का काम है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जो स्पेसिफिकली फंक्शन है वो जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन परफॉर्म करते हैं। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं, इस नॉलेज को अप्लाई करते हैं। व्हेन वाटर इज इन ए शॉर्ट सप्लाई, की वर्ड है वाटर इन शॉर्ट सप्लाई, इंक्रीज इन वाटर रिटेंशन। तो इंक्रीज इन वाटर रिटेंशन अकर थ्रू, तो इंक्रीज जो रिटेंशन का लफ्ज आया है, तो रिटेंशन होती है कॉन्ट्र करंट मल्टीप्लायर से। तो कॉन्ट्र करंट मल्टीप्लायर का जो प्रोसेस है वो वेजारेक्टा
कि एसोसिएशन की वजह से जो परफॉर्म होता है, अगर इस क्वेश्चन को हम अप्लाई करें ऊपर वाले नॉलेज के बेस पे, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बने. सो चार्ली इज द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यूज. अल्फा आंसर तो नहीं हो सकता कॉर्टिकल, चूंकि उधर फंक्शन में हम नहीं पढ़ रहे. इसी तरह प्रॉक्सिमल कॉग्निटिव ट्यूब्यूल भी नहीं होगा, टिश्यू कॉर्टेक्स भी नहीं होगा. सो जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को टेक्स्ट बुक के डायग्राम के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तो वो ब्लड वेसल्स जो कि रिनल आर्टरी से ब्लड सप्लाई कर रही हैं टू द बोमेन कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस है, तो उसको हम एफरेंट, एफरेंट ए, ए फॉर अराइवल, जो अराइव से है ए, उससे याद रखना है ए फॉर अराइवल, जो ब्लड लेके आ रही है टूवर्ड द ग्लोमेरुलस, उसको हम एफरेंट आर्ट्रियूल कहेंगे. उसके बाद जो जंक्शन है, जो क्लस्टर है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज हैं जो कि एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियूल्स के दरमियान में मौजूद है, उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं. इसकी डेफिनेशन भी बन सकती है यहां पे ग्लोमेरुलस की. अब वो ब्लड वेसल जो यहां से एग्जिट हो रही हैं, ई फॉर एग्जिट, तो उसको हम इफरेंट आर्ट्रियूल फ्रॉम ग्लोमेरुलस कहेंगे. सो जो एंटर हो रही है वो एफरेंट आर्ट्रियूल है, और जो एग्जिट हो रही है वो इफरेंट है, और उसके दरमियान में जो क्लस्टर, जो टफ्ट ऑफ ब्लड वेसल है, उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं. अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो यहां से इमर्ज होके ऊपर की पोर्शन की तरफ जाएंगी, जो कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को कवर करती हैं. उनको हम प्रॉक्सिमल, उनको हम पेरिट्यूबुलर, उनको हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का नाम देंगे. और जो यहां से ब्रांच है रिनल वेन्स की जो नीचे आ रही है और एडिशनल यहां पे कवरिंग दे रही है, उसको हम वेजर रेक्टा कहते हैं. तो दो तरह की एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स जो कि लर्निंग आउटकम में पूछा गया था, उनमें से एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है और साथ उसमें वेजर रेक्टा है, जो कि ये जो डायग्राम है नेफ्रॉन की, ये जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है जो टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर 15 के अंदर ड्रॉ की गई है, चूंकि इसके अंदर वेजर रेक्टा मौजूद होता है. अब इसके बाहर जो कवरिंग है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इस तरह करके, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है यहां से कप शेप में है, लिहाजा इसको हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं. बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को अगर दोनों को मिलाएं तो उसको हम रिनल कार्पसल कहते हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, रिनल कार्पसल, आरसी के नाम से उसको हम जानते हैं, रिनल कार्पसल. अब ये जो बोमेन कैप्सूल है वो पहले यहां पे कन्वोल्यूटेड होगा, इसकी ये कन्वोल्यूशंस हैं बहुत सारी, ये कन्वोल्यूशंस, फिर नीचे इनको हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स का नाम देंगे. उसके बाद ये नीचे डिसेंड होगा, और ये नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद यहां से ये एसेंड होगा, और एसेंड होने के बाद अगेन ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बनाएगा, तो इसको हम डिस्टल ट्यूब्यूल का या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का नाम देते. अब ये जो नीचे डिसेंड हुआ है एरिया इसका, उसको हम लूप ऑफ हैनल का नाम देंगे, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है डिसेंडिंग है, और दूसरा उसका अपवर्ड डायरेक्शन है जो कि असेंडिंग है. लेकिन ये जो एरो साथ में दिखाए गए, ये ब्लड वेसल्स हैं, और ब्लड वेसल काउंटर फ्लो के अंदर आ रही हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में. अगर यहाँ पर डिसेंडिंग है तो इसके ब्लड वेसल्स की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होगी, और अगर ये असेंडिंग है तो ब्लड वेसल की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होगी. उसके बाद ये यहाँ पे जाके इस ट्यूब के अंदर पोर आउट होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स के ये वाले पार्ट लग रहे होते हैं, ये कॉमन होती है, उसको हम कलेक्टिंग डक्ट का नाम देंगे. तो डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ डिफरेंट नेफ्रॉन्स आर पोर आउट इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, और ये कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके रेनल पैल्वस के अंदर ओपन होती. तो ये स्ट्रक्चर है इसकी. इसके अंदर दो मेन चीजें हैं, एक ट्यूबुलर सिस्टम है जो कि स्टार्ट हो रहा है राइट फ्रॉम बोमेन कैप्सूल, और ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाके खत्म होता है. जबकि दूसरा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स हैं, जो कि रिनल आर्टरी से निकलती हैं, एफरेंट आर्टरियूल, एफरेंट आर्टरियूल से ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से इफरेंट आर्टरियूल, इफरेंट आर्टरियूल से फिर आगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, और एडिशनल ब्लड कैपिलरीज हैं जिनको हम वेजर रेक्टा कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू एमसीक्यूज. पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन को अगर हम देखें तो दो मेन पार्ट बनते हैं. अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर चुके हैं रेनल कार्पसल, जिसके अंदर दो चीजें आएंगी, एक तो ग्लोमेरुलस आएगा इसके अंदर, और साथ ही साथ इसके अंदर बोमेन कैप्सूल इसके अंदर आता है. लेकिन दूसरा इसका जो रेनल ट्यूब्यूल पार्ट है, उसके अंदर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम पीसीटी का नाम देते हैं,
और दूसरी जो चीज़ है वो लूप ऑफ हैनल है जिसको एलेट्स कहते हैं। तीसरा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है अवे फ्रॉम ओरिजिन, बोमन कैप्सूल को डिस्टल कहेंगे डीसीटी, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट है जिसको हम सीडी का नाम देते हैं। स्ट्रक्चर वाइज अगर हम इनको कंपेयर करें तो ग्लोमेरुलस एक्चुअली कैपिलरीज का एक टफ्ट है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है जो कि रिसीव करती हैं एफरेंट आर्ट्रियूल और एग्जिट करती हैं इफरेंट आर्ट्रियूल। तो उनके दरमियान जो क्लस्टर बनेगा बाय डेफिनेशन क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज बिटवीन एफरेंट आर्ट्रियूल एंड इफरेंट आर्ट्रियूल उसको हम ग्लोमेरुलस का नाम देंगे। बोमन कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर है जो कि सराउंड करता है, इनक्लोज करता है ग्लोमेरुलस को। इंपॉर्टेंट जो यहां पे चीज दी गई है वो पोडोसाइट्स हैं। यूएचएस ने पास्ट एग्जाम के अंदर ये वर्ड यूज किया था पोडोसाइट्स का। तो पोडोसाइट्स बेसिकली एंडोथीलियम एंड कैपिलरीज एंडोथीलियम एंड गैप इन पोडोसाइट हेल्प इन द फिल्ट्रेशन। तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल्स मौजूद हैं बोमन कैप के अंदर उसको हम पोडोसाइट्स कहते हैं, और पोडोसाइट्स के दरमियान जो एपिथीलियम कैपिलरीज हैं उनमें जो गैप होता है वो हेल्प कर रहा होता है बेसिकली फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को। बुक में डिस्कस नहीं किया हुआ, पास्ट यूएचएस के एग्जाम के अंदर ऑप्शंस के अंदर आया था इसलिए उसका जिक्र यहां पे कर दिया है। लार्ज जो पार्टिकल प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहां पे स्टॉप्ड हो जाते हैं बाय द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो यहां फाइन इंस्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन होती हैं, पोडोसाइट जो होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को आगे फिल्टर ऑन नहीं होने देते। इसका जो पोरोसिटी जो साइज है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल को वहां से फिल्टर करता है, लार्ज जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो वहां से फिल्टर ऑन नहीं होते। उसके बाद प्रॉक्सिमल है, लॉन्गेस्ट पार्ट है नेफ्रॉन का प्रॉक्सिमल, जो कन्वोल्यूशंस हैं जो डायग्राम में हमने देखा है। अब इसका जो इंटरनल अगर हम देखें तो लाइन में एपिथेलियल सेल्स होते हैं बेसिकली जिनको ब्रश बॉर्डर्स कहते हैं, और ये माइक्रोविलाई की तरह के होते हैं जो कि विलाई स्ट्रक्चर पढ़ा था आप चैप्टर नंबर 12 के अंदर न्यूट्रिशन में, तो वहां पे इसके डिस्कस है। अगेन यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हुआ, मेन फंक्शन यहाँ पे इसका बेसिकली एब्जॉर्प्शन है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन है क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। ये भी फॉर योर नॉलेज के लिए आपसे शेयर किया जा रहा है। इसके बाद लूप ऑफ हैनल है, यू शेप स्ट्रक्चर ये बनता है, प्रोमिनेंट होता है ये जेक्स्ट्रा मेडुला जो कि लॉन्ग होता है डीप होता है, ज्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे होगा। मोस्ट डिस्टल अवे फ्रॉम द कैप्सूल जो पार्ट है उसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। उसके बाद फर्स्ट पार्ट ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल उसको हम डक्ट कहते हैं। सो मेनी डक्ट्स आर ओपन इनटू ट्यूब्यूल, डायग्राम के अंदर हमने कंपेयर किया। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि इसके साथ जो ब्लड वेसल्स एसोसिएट होती हैं, तो ब्लड वेसल्स के अंदर दो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं जो कि इफरेंट आर्ट्रियूल से फर्दर बनी है, और एडिशनल जो ब्लड वेसल्स आती हैं वो वेजा रेक्टा हैं। हर एक का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो ये पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विद रेफरेंस टू स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं, उनको हम डिफाइन किया यहाँ पे। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को अगर हम साथ कंपेयर करें फंक्शंस के, तो ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट इसमें हेल्प कर रहा है हमें कि बोमन कैप्सूल जो है अगर उसका हम फंक्शन देखें तो उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इसके अंदर मौजूद होता है जो कि फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस से। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेनिंग कप शेप स्ट्रक्चर इसका बोमन कैप्सूल, तो ये इसका फंक्शन है। लेकिन ग्लोमेरुलस जो होती है ये इन्वॉल्व होती है प्रेशर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में। तो प्रेशर फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो ग्लोमेरुलस में होगा, और उसका जो प्रोडक्ट बनेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट वो बोमन कैप्सूल के अंदर या बोमन कप के अंदर आके स्टोर होगा या वहां पे आके स्टे करेगा। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट को अगर हम देखें तो रीअब्सॉर्प्शन होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि उसके अंदर बहुत सारे ब्रॉडर ब्रश सेल्स हैं, बहुत सारे माइक्रोविलाई हैं जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। उसी वजह से रीअब्सॉर्प्शन ऑफ ऑल द यूजफुल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, GF स्टैंड फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, वो यहाँ पे अब्सॉर्ब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है ये पहले इस पार्ट के ऊपर, MCQs मल्टीपल टाइम आ चुका है। लूप ऑफ हैनले, लूप ऑफ हैनले के अंदर एल्डोस्टेरोन एक्टिंग ऑन द असेंडिंग लिम्ब, डायग्राम और आगे उसका टेक्स्ट जो 15 चैप्टर के अंदर मेंशन है, इसकी लूप ऑफ हैनले की बहुत इंपॉर्टेंस है। डिसेंडिंग का परमिएबल टू वाटर है, असेंडिंग नॉट परमिएबल टू वाटर बट परमिएबल टू सोडियम अंडर द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन हम पढ़ते हैं। तो हर एक का अपना अपना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। डिस्टल कन्वर्टेड जो पार्ट है उसका जो काम है वो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर है, लेकिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर अंडर द एक्शन ऑफ ADH है, यानी एक्टिव अपटेक ऑफ वाटर इसको आप कह सकते हैं। लूप ऑफ हैनले के अंदर एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम कह सकते हैं अंडर द एक्शन ऑफ
एल्डोस्टिरोन। पेरिट्यूबुलर नेटवर्क है बेसिकली कैपिलरीज का जो कि सराउंड कर रही है ट्यूबुलर पार्ट को। इसके बाद वेसरेक्टा है जो कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इन केस ऑफ जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है विद रेफरेंस टू काउंटर करंट मल्टीप्लायर के प्रोसेस से। एमसीक्यूज को अगर हम डिस्कस करें इसी नॉलेज को, इसको अप्लाई करें, द नेफ्रॉन काउंटर करंट मल्टीप्लायर्स अक्कर, काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहां पे मौजूद होता है इस एमसीक्यूज के अंदर, ये चीज पूछी गई है कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर का जो प्रोसेस है वो कहां पे मौजूद होता है। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लूप ऑफ हैनल, अगर हम देखें डायग्राम को, तो लूप ऑफ हैनल के साथ जो एडिशनल ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर डेवलप करती हैं। काउंटर करंट मल्टीप्लायर मीन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर हम इसको अगेन इस डायग्राम की सेंस में देखें तो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल है, ये सेंडिंग लूप ऑफ हैनल है, और लेकिन जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती है। तो यहाँ चार अपोजिट डायरेक्शंस बनती हैं। यह ब्लड वेसल ऊपर की तरफ जा रहा है इसमें, लेकिन जो फिल्ट्रेट है वो नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ से फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है सेंडिंग में, और जो ब्लड की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो लूप ऑफ हैनल के साथ जो ब्लड वेसल्स का जो डायरेक्शन बनेगी वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहलाएगा। ये डायग्राम विद रेफरेंस टू फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के को डील कर रही है। इसमें सबसे पहले एक प्रोसेस है यहाँ पे दिखाया कि इसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो फिल्ट्रेशन में क्या फिल्टर होता है? लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल तो फिल्टर नहीं होते, इसमें वाटर होता है फिल्ट्रेट में, ग्लूकोज है, यूरिया है, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइडाइन एंड अदर थिंग्स, ये यहाँ पे फिल्टर होंगे ग्लोमेरल के अंदर। फिल्टर होने के बाद ये मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं बोमिन कैप्सूल को। अब जो ही ये यहाँ से प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल यहाँ पे यहाँ तक दिखाएगी, इसको हम PCT का नाम देंगे, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन होती है, ऑल द यूजफुल कॉन्स्टिट्यूट्स आर रीअब्सॉर्ब इन प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। इसमें ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो जाएगी, इमानो एसिड्स हो जाएंगे, पोटेशियम आयंस हो जाएंगे, कैल्शियम हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। लेकिन जब ये यहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल के साथ आएगी तो यहाँ पे दिस पार्ट इज परमिएबल टू वाटर, यहाँ पे वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। लेकिन जो असेंडिंग है वो असेंडिंग लूप ऑफ हैनल है, ये इम्परमीएबल टू वाटर बट परमीएबल टू सोडियम अंडर द एक्शन ऑफ एल्डोस्टिरोन। एल्डोस्टिरोन हार्मोन के रिसेप्टर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पे एक्ट करेगा और एक्टिवली यहाँ से सोडियम को अपटेक करवाएगा। उसके बाद ये इस पोर्शन के अंदर जाएगा जिसको हम डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ पे वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती है, जो कि यहाँ पे मेंशन की गई है कि वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती है अंडर द एक्शन ऑफ ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन के थ्रू वाटर की अब्सॉर्प्शन होगी, और जो उसके बाद जो चीज बच जाती है उसको हम यूरिन कहते हैं। बेसिकली यूरिन की डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि इसके अंदर जो फिल्ट्रेट है प्लस उसके अंदर जो सेक्रेशन है और माइनस उसके अंदर रीअब्सॉर्प्शन है। तो पहले फिल्ट्रेशन, फिर रीअब्सॉर्प्शन, इन एडिशन सेक्रेशन, तो तीनों चीजों का जो कॉम्पोजिशन होगी वो यूरिन की कॉम्पोजिशन होती है। तो ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रही है इसके फंक्शन को। इसी को अप्लाई किया इस क्वेश्चन के ऊपर, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल कॉन्स्टिट्यूट्स, यूजफुल कॉन्स्टिट्यूट नॉर्मली टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द वन, तो अभी हमने डिस्कस किया इस डायग्राम की हेल्प से भी हमने देखा, तो वो प्रॉक्सिमल जो ट्यूब्यूल है या प्रॉक्सिमल पार्ट है या प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है उसके अंदर मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होती है। पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन के तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि डिस्कस किए गए इस लेवल के ऊपर। इसमें एक तो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, या इसको हम फिल्ट्रेशन प्रेशर के थ्रू ये प्रोसेस होता है। दूसरा है इसमें रीअब्सॉर्प्शन या सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, चूंकि सारी चीजें तो रीअब्सॉर्ब नहीं हो रही। और तीसरा है सेक्रेशन, चूंकि सेक्रेशन ट्यूब्यूल इंटरनल ल्यूमन से होता है लिहाजा उसको ट्यूबुलर सेक्रेशन भी कहते हैं। इसी तरह से अगर फिल्ट्रेशन का अगर हम देखें तो फिल्ट्रेशन में जो एफरेंट आर्टरियूल्स हैं उनका जो डायमीटर होता है एक्चुअली वो हाफ ऑफ द एफरेंट होता है। तो डेफिनेट जब डायमीटर कम होता जाएगा तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो हेल्प करेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन में। तो ये इसके पीछे एक्चुअल जो फिनोमिना चल रहा होता है उनके डायमीटर का, जो एफरेंट है उसका डायमीटर एफरेंट के मुकाबले में
ज्यादा होता है, इफरेंट का डायमीटर हाफ हो जाता है एज कंपेयर टू एफरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस लेवल के ऊपर, जो कि हेल्प कर रहा होता है प्रेशर को जनरेट करने में, जिसके रिजल्ट पे प्रेशर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है और उसके रिजल्ट पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन या सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ऑल द यूजफुल कॉन्स्टिट्यूट, 2 से 3 से 4 बार हम पढ़ चुके हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो प्रॉक्सिमल टिब्यूल के अंदर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉक्सिमल कॉन्स्टिट्यूट टिब्यूल के अंदर ऑल द यूजफुल कॉन्स्टिट्यूट जो होते हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जब वहां से फिल्ट्रेट लीव करेगा प्रॉक्सिमल से, तो उनमें ज्यादातर जो है मोस्टली जो उसके अंदर है वो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, उसके अंदर यूरिया मौजूद होता है, या उसके अलावा जो उसके दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो बच जाते हैं। यूजफुल जो कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं वो प्रॉक्सिमल पार्ट के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। सिक्रीशन या ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो ट्यूबुलर एपिथीलियम सेल्स हैं जो डिसेंडिंग असेंडिंग के हैं, वो सिक्रीट करते हैं कुछ खास सबस्टान ल्यूमन के अंदर, ट्यूब के अंदर, और ये वेरी सिलेक्टिव होता है। उसके अंदर खासतौर पे हाइड्रोजन आयन्स मौजूद होते हैं, उनके जो सेल्स हैं ल्यूमन के वो हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट करेंगे, जिनका मेन फंक्शन होता है टू बैलेंस द पीएच ऑफ द फिल्ट्रेट जब वो ट्यूब्यूल के अंदर से पास ऑन हो रही हो। सो पीएच को मेंटेन करने के लिए ट्यूबुलर सिक्रीशन का प्रोसेस में हेल्प कर। तो 3 मेन फंक्शन है, फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। नेफ्रॉन को अगर हम देखें तो नेफ्रॉन के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, खासतौर पे कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन है, उसके अंदर कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में हेल्प कर रहे होते हैं। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर का है, और काउंटर करंट का मतलब यहाँ पे ऑपोजिट फ्लो है, जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा ये कि जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो परमीएबल टू वाटर होता है, लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब होता है वो इम्परमीएबल टू वाटर, लेकिन परमीएबल टू अब्सॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ बात की जा रही है सोडियम आयन्स की, और सोडियम आयन अंडर द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन है। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये मेडुलरी या मेडुला की ऑस्मोलैरिटी जो है, उसको जो साल्ट कंसंट्रेशन है उसको इसने मेंटेन करना होता है। स्लो फ्लो है यहाँ पे वेजा रेक्टा ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से, और अगेन उसका मेन काम है कि हाई मेडुला की ऑस्मोलैरिटी कैम करना। फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला जब हम पढ़ते हैं तो उसकी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब अगर ट्यूब के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो सराउंडिंग से वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, तो इसी प्रोसेस को हम मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी कह रहे हैं। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ADH, एंटी डायरेटिक्स हार्मोन, डायरेटिक हार्मोन, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की हेडिंग के अंदर अगर हम वाटर की कंजर्वेशन का जिक्र करें कि वाटर कंटेंट्स जो हैं इन ब्लड वो किस तरीके से कंट्रोल होते हैं, तो अगर ब्लड के अंदर वाटर कंटेंट लो है तो ADH जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, वो ज्यादा उसका लेवल ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा लेवल हो। जब उसका लेवल ज्यादा हो जाएगा तो वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा और यूरिन का जो आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा। ADH ज्यादा होगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा, और ऐसा होता है समर में। उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है, तो अगर ब्लड के अंदर वाटर कंटेंट हाई है, ज्यादा है, फ्लडिंग है, तो ADH की स्टीरियर पिट्यूटरी से कम हो जाएगी, उसकी जो रिलीजिंग है वहां से वो कम हो जाएगी, और जो यूरिन आउटपुट है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। ऐसा होता है विंटर में, विंटर में लार्ज अमाउंट ऑफ डिल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो ये एक फिनोमेना डिस्कस किया गया है द रोल ऑफ ADH की, किस तरीके से ADH वाटर कंटेंट्स को ब्लड के अंदर कंट्रोल कर रहा होता है। ये दो फिनोमेना यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के रेफरेंस से। तो इसमें काउंटर करंट मल्टीप्लायर को अगेन हम डिस्कस कर रहे हैं इस टेबल के अंदर, दोबारा इसको देख रहे हैं कि काउंटर करंट जो मल्टीप्लायर है एक्चुअली वो एक पिवोटल रोल प्ले कर रहा है, वेरी सिग्निफिकेंस रोल प्ले कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ हाइपरटोनिक कंसंट्रेटेड, इसका मतलब ये होता है कंसंट्रेटेड यूरिन ह्यूमंस के अंदर, इंक्लूडिंग ये मैमल और इंक्लूडिंग इसके अंदर ह्यूमन भी शामिल है। सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो है, पिवोटल रोल है, सिग्निफिकेंट रोल है हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करने का, वो काउंटर करंट
मल्टीप्लायर प्रोसेस है। कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर प्रोसेस कैसे करता है, ये मेंटेन करता है हाई ऑस्मोलैरिटी, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जिसका मतलब हाई सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है मेडुला के अंदर। कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जब मूव करते हैं तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट प्रेजेंट होता है, या हाई ऑस्मोलैरिटी होती है राइट फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला। जो डिसेंडिंग लिम्फ, वो अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये परमिएबल टू वाटर तो है बट नॉट परमिएबल टू सॉल्ट, लेकिन जो असेंडिंग है वो परमिएबल टू सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम आयन है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। असेंडिंग लूप ऑफ फेनिल डज नॉट आउटफ्लो वाटर फ्रॉम इट्स फिल्ट्रेट, इनस्टेड एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम इन टू किडनी इंटरस्टिशियम टू सस्टेन इज हाई कॉन्सेंट्रेशन कंट्रोल बाई एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन की मदद से असेंडिंग लिम्ब के अंदर दोबारा सोडियम को इंटरस्टिशियम में डाला जाता है ताकि हाई ऑस्मोलैरिटी या हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को मेडुला के अंदर मेंटेन किया जाए। अगेन एल्डोस्टेरोन थोड़ा सा हार्मोनल देखते हैं कि एल्डोस्टेरोन सेक्रेट होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स से और रेगुलेट एक्टिव अपटेक करता है सोडियम आयंस को असेंडिंग लिम्ब के अंदर। दूसरा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, सेक्रेट होता है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से, रिलीज हो रहा है पोस्टीरियर, ये सेक्रेट हो रहा है, रिलीज हो रहा है, स्टोर होता है वहां पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, हाइपोथैलेमस से ये बनता है और एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर बैक इन द किडनी। तो ADH का रोल और एल्डोस्टेरोन का रोल वेरी इंपॉर्टेंट, और कॉन्ट्रैक्टेंट, सो दो प्रोसेस हैं, कॉन्ट्रैक्टेंट मल्टीप्लायर है और दूसरा हार्मोनल है, दोनों का एक इंपॉर्टेंट रोल है इन कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। और इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो जिक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है। कुछ MCQs हैं इन्हीं से रिलेटेड पास्ट पेपर्स के। हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, रिलीज हो रहा है एक्ट टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम द फिल्ट्रेट इन टू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बैक इन टू किडनी इज नोन एज, अभी हमने पढ़ा, रेनन नहीं होगा, एंजियोटेंसिन भी नहीं होगा, ग्रोथ फैक्टर भी नहीं होगा। सो राइट ऑप्शन जो इसकी बनेगी दैट इज एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको हम ADH कहते हैं। ADH जो है वो रिलीज हो रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से और इसकी जो रिसेप्टर साइट्स होती हैं वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर मौजूद होती हैं, वहां से उसको एक्वापोरिन चैनल्स को ये ओपन करेगा जिसकी वजह से वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। दूसरा जो MCQs है इसी रेफरेंस में, मेन फैक्टर इन प्रोड्यूसिंग हाइपरटोनिक यूरिन, हाइपरटोनिक यूरिन, तो जो मेन फैक्टर है हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करने के अंदर, वो यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है, अगर हम देखें इसको कि जो हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करने वाला है, तो ये पास पेपर का क्वेश्चन है। ग्लोमेरुलस तो इसमें नहीं आएगी, अल्फा ऑप्शन तो नहीं हो सकता, इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन भी इसका रोल हो सकता है लेकिन ये मेन फैक्टर के तौर पे रोल नहीं प्ले करेगा। ग्रेजुअल इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला, और डेल्टा ऑप्शन है ADH इन्फ्लुएंस ऑन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो राइट ऑप्शन जो बनेगी, जो मेन रोल प्ले करेगी वो ये जो चार्ली ऑप्शन है, ये इसकी राइट ऑप्शन है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला, सो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट MCQs इसी को यूज करते हैं कि व्हेन वाटर कंटेंट इन ब्लड बिकम हाई, वाटर जो है वो ज्यादा हो गया, व्हाट विल हैपन, अगर वाटर ज्यादा हो जाए तो पीछे हमने एक फ्लो चार्ट के अंदर पढ़ा है कि वाटर जब ज्यादा हो जाएगा तो उस दौरान जो ADH है, क्योंकि इसका लिंक तो ADH के साथ है, तो वो इनहिबिटेड हो जाएगा, अल्फा ऑप्शन इसका राइट है। लेकिन अगर वाटर कंटेंट लो हो जाए तो फिर बीटा ऑप्शन हो सकता है इसका, बाकी चार्ली और डेल्टा इसके ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि वो इंटीरियर पे चुटकी लिखा हुआ है, सो राइट ऑप्शन इसकी अल्फा है या ए है। कुछ किडनी प्रॉब्लम्स और उनकी जो ट्रीटमेंट है या उनकी जो क्यूर्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। किडनी स्टोन एक प्रॉब्लम के तौर पे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो किडनी स्टोन जो है वो दो तरह से, तीन कैटेगरीज के हैं, ऑन द बेस ऑफ देयर केमिकल कॉम्पोजिशन, ऑन द बेस ऑफ देयर परसेंटेज और कॉजेज, तो तीन कैटेगरीज के अंदर हम इनको डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर टाइप में देखें तो कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है और यूरिक एसिड है, तो तीन कैटेगरीज के ये बनेंगे। परसेंटेज में कैल्शियम ऑक्सलेट 70% होते हैं टोटल टाइप ऑफ स्टोन, जो कि यहाँ इस
लेवल पे हम डिस्कस कर रहे हैं, कैल्शियम फास्फेट 15% हैं और यूरिक एसिड 10% होते हैं। अगर हम कॉजेज को देखें तो कैल्शियम ऑक्सालेट हाइपर ऑक्सलूरिया, हायर क्वांटिटी हायर ब्लड लेवल ऑफ ऑक्सालेट, ये टर्म इस्तेमाल की जाती है, और ऑक्सालेट आर प्रेजेंट इन ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर ये मौजूद होते हैं, जिसमें टोमेटो हैं, जिसके अंदर दूसरी वेजिटेबल जिनके अंदर ये ऑक्सालेट मौजूद होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और टोमेटो का जिक्र किया हुआ है। कैल्शियम फास्फेट तब हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, तो कैल्शियम बोन से रिलीज हो सकता है, तो वो एक हार्मोनल रीजन भी इसकी बन सकती है। इसके बाद यूरिक एसिड है, तो यूरिक एसिड चूंकि मेटाबॉलिक वेस्ट है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में या नाइट्रोजन बेसिस के मेटाबॉलिज्म पे आता है, तो ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के तौर पे आ सकता है। तो ये तीन कैटेगरीज हैं जिनके नेम परसेंटेज और कॉज यहाँ पे दिए गए हैं। अब अगर ये स्टोन बनते हैं तो इनकी जो ट्रीटमेंट आएगी या इनका जो क्योर आएगा वो किस तरीके से किया जाता है, तो एक टेक्निक है लिथोट्रिप्सी, जिसको हम नॉन सर्जिकल कहते हैं या नॉन ऑपरेटिव कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉर्ट वेवलेंथ ESWL। इसके अंदर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एक्सरेज आर अल्ट्रासाउंड एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड वेव ये उस एरिया के अंदर थ्रो की जाती हैं, जो ये शॉक वेव्स ब्रेक करती हैं उन स्टोन्स को इन स्मॉलर टेनी पीसेस, जो कि यहाँ पे सैंड हो सकती है, वो डिपेंड करता है किस नेचर के हैं, आर पास थ्रू आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन, तो यूरिन के थ्रू वो बॉडी से बाहर आ जाती है। तो ये एक तरीका है कि बॉडी के बाहर से ये रेस फॉल की जाती हैं, एक्स रेज या अल्ट्रासोनिक वेव, वो शॉक वेव्स जो होती हैं वो स्टोन्स को जो कि सैंड के हो सकते हैं उनको पीसेस में ब्रेक करेगी और फिर वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएंगे। ये स्टोन किडनी के अंदर भी हो सकते हैं, ये लिथोट्रिप्सी इनकी अप्लाई हो जाएगी यूरेटर पे, या फिर गॉल ब्लैडर के ऊपर भी ये टेक्निक अप्लाई होती। तो ये तीन जगह पे टेक्स्ट बुक के अंदर उन्होंने मेंशन किया है, लिहाजा वही हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी जो टेक्निक है वो सर्जिकल टेक्निक है, पहली नॉन सर्जिकल है, तो किडनी सर्जरी की जाती है, और किडनी सर्जरी तब की जाती है जब लास्ट स्टेज हो, जब मतलब एंड स्टेज उसको हम कहते हैं, इसको यूरीमिया का नाम भी देते हैं, हाई लेवल ऑफ यूरीमिया, उसको एंड स्टेज या रिनल डिजीज कहते हैं। तो डायरेक्ट सर्जिकल एक्सपोज किया जाता है, एक्सपीयर किया जाता है बॉडी का उस एरिया, और उसके अंदर से वो स्टोन रिमूव किया जाते हैं, इज डन। लेकिन तीसरी ऑप्शन इसके अंदर एक और है कि अगर ज़्यादा इसका डैमेज हो जाए तो फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जाती है, और ट्रांसप्लांटेशन के अंदर जो डोनर और रिसिपियंट है उनकी मैचिंग, टिश्यू मैचिंग और ब्लड मैचिंग, तो ये उसको देखा जाता है। रेनल फेलियर दूसरा एक स्टेज है इसकी, रेनल फेलियर। तो रेनल फेलियर का मतलब ये है कि फेलियर ऑफ ऑल किडनी फंक्शन, किडनी का एक्सक्रीटरी फंक्शन तो हम पढ़ ही रहे हैं, आस्मो रेगुलेटरी ये भी फेल हो जाएगा, किडनी के इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शन है, मसलन ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, जो एरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन है वो हेल्प करती है इन आरबीसी फॉर्मेशन में। तो डेफिनेटली जब किडनी फेलियर होगा तो आरबीसी की फॉर्मेशन नहीं होती, और फिर एनीमिया या फिर उससे मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। तो किडनी का सिर्फ एक काम यहाँ पे एक्सक्रीशन नहीं था, लेकिन उसके सारे के सारे, उससे लिंक जो फंक्शन है वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो गए। तो रिनल फेलियर इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इज नॉट अ सिंगल डिस्टर्बेंस ऑफ एक्सक्रीशन। नेफ्रॉन अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, खास तौर पे उसका जो ग्लोमेरुलर पार्ट है, अगर ये डिस्टर्ब होता है तो वो जारी बात है फिल्ट्रेशन नहीं करेगा, जिसके रिजल्ट पे एक्युमुलेशन होगी यूरिया की, अदर वेस्ट मटेरियल की, जो कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस कॉज करेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। और ये जो एनीमिया यहाँ पे मेंशन किया है टेक्स्ट बुक के अंदर, ये इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि ये जो हार्मोन है, जो सेक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन है, ये नहीं बनेगा, जब ये नहीं बनेगा तो आरबीसी की फॉर्मेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से आरबीसी कम हो गए तो डेफिनेटली उसके सिम्टम पे अनीमिया शो होगा। रिनल फेलियर के जो क्योर्स है वो डायलिसिस है, तो डायलिसिस जो है उसको अगर हम डिफाइन करें तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आर्टिफिशियली रिमूव किया जाता है यूरिया थ्रू आर्टिफिशियल किडनी से, या फिर बाय द फिल्टरिंग विद इन या बॉडी के बाहर है, उसको हम नाम देते हैं हीमोडायलिसिस, और बॉडी के अंदर एब्डोमेन किया जाएगा तो वो पेरिटोनियल डायलिसिस कहलाएगा। तो दो तरह की टेक्निक डायलिसिस में अप्लाई होती है, आर्टिफिशियल किडनी के तौर पे यूज किया जाता है,
अब हीमोडायलिसिस जो है उसमें अगर हम देखें तो ब्लड सर्कुलेट करेगा एक मशीन के अंदर, और उस मशीन को जिसके अंदर डायलाइजर फ्लूड मौजूद होता है उसको आर्टिफिशियल किडनी का नाम भी देते हैं, डायलाइजर किडनी मशीन एक्चुअली ये भी इसको कहते हैं। उसके अंदर टू स्पेसिस होती हैं और थिन मेम्ब्रेन उसके अंदर लगी होती है जो कि फिल्ट्रेशन का काम करती है। ब्लड पास होता है फ्रॉम वन साइड ऑफ मेम्ब्रेन और डायलाइजिंग फ्लूड ऑन द अदर साइड पे मौजूद है। एक साइड पे डायलाइजिंग फ्लूड है, एक साइड पे ब्लड है, तो दोनों को एक थिन मेम्ब्रेन से सेपरेट किया होता है जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा। वेस्ट एंड एक्सेस वाटर जो होता है वो पास हो जाता है फ्रॉम ब्लड से थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू डायलाइजिंग, ये डायलाइसिस फ्लूड, फ्लूड के अंदर वो चला जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर एबिडोमिनल कैविटी को यूज करते हैं, पेरिटोनियल कैविटी, उसके अंदर लाइंड बाई अ थिन मेम्ब्रेन या एपिथिलियम उसको हम कहते हैं जिसका नाम पेरिटोनियल है, पेरिटोनियम। दिस कैविटी इज फिल्ड विद अ डायलाइसिस, डायलाइसिस फ्लूड इसको हम कहते हैं, उससे इसको फिल किया जाता है और एंटर किया जाता है ये थ्रू अ कैथरिक ट्यूब के थ्रू, ये पॉलीकैथर इसको हम कहते हैं, कैथर। एक्सेसिव वाटर एंड वेस्ट पास थ्रू द पेरिटोनियम इन टू द डायलाइजिंग या डायलाइसिस फ्लूड, और इस प्रोसेस को सेवरल टाइम इन अ डे रिपीट किया जाता है। लेकिन इसमें पेशेंट इंडिपेंडेंट होता है, मूव कर सकता है, लेकिन हीमोडायलिसिस के अंदर पेशेंट मूव नहीं कर सकता। ये हर एक का अपना एक बेनिफिट है, नुकसान भी हैं और ब्लड कंटेमिनेशन के चांसेस भी हो सकते हैं हीमोडायलिसिस के अंदर। इन डायग्राम से एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की गई है कि इनका जो प्रिंसिपल है हीमोडायलिसिस का वो किस तरह से ऑपरेट करता है, और पेरिटोनियल डायलिसिस का जो प्रिंसिपल है उसको इन डायग्राम से, जो कि टेक्स्ट बुक का पार्ट तो नहीं है लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दी गई है यहाँ पे, कि ब्लड रिमूव किया जाता है यहाँ से फॉर क्लिनजिंग के लिए। ये एरो फॉलो करें, यहाँ पे एक पंप लगा होता है जो कि ब्लड की स्पीड को इन्हेंस करेगा। एंटीकोगुलेंट मटेरियल इसमें डाला जाता है ताकि क्लॉट न बन जाए इसके। उसके बाद ये वो डायलाइजर है जिसके अंदर एक थिन मेम्ब्रेन का भी हम जिक्र कर रहे थे कि डायलाइजिंग फ्लूड इधर से एंटर होगा, यहाँ से निकल जाएगा, इस साइड से ब्लड जो है इसके अंदर चलेगा। ये डायलाइजिंग मशीन है बेसिकली, और उसके बाद जब ब्लड फिल्टर हो जाएगा तो इसको एयर ट्रैप एंड डिटेक्टर एयर से यहाँ से इस पाथवे से दोबारा क्लीन ब्लड को बॉडी में डाल दिया जाता है। तो ये बेसिकली डायलाइजिंग या आर्टिफिशियल किडनी को दिखाया गया यहाँ पे। दूसरा जो प्रोसेस है इसके अंदर, जो पेरिटोनियल पेरिटोनियम सोल्यूशन डायलाइसिस सोल्यूशन इसके अंदर मौजूद है, ये एक लोकेशन दिखाई गई है। इसमें दो तरह से चीज़ें हैं कि एक कैथर से ये कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर ये दो बैग इसके अंदर अटैच किए गए हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के साथ जो कनेक्टेड है, और इस तरीके से ये डायलाइजिंग का जो प्रोसेस है वो बॉडी के अंदर होगा और ये मटेरियल जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये फॉर इजी टू अंडरस्टैंड के लिए ये दिखाई गई है। ऑस्मोरेगुलेशन के टर्मिनोलॉजी का कहा गया है कि ऑस्मोरेगुलेशन को एक्सप्लेन करें तो मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन द ऑर्गेनिज्म है एंड इन्वायरमेंट है सल्यूट गेन और लॉस ऑफ वाटर। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, गेन और लॉस है सल्यूट का और वाटर का, उसको ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इसकी जो ऑस्मोरेगुलेशन की है, इसकी जो वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन वो ये कि एनेबल किया है इसने एनिमल्स को एंड प्लांट्स को टू डिस्ट्रीब्यूट देम सेल्फ इन ए वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एमसीक्यू ये दी गई है कि प्लांट और एनिमल की जो डिस्ट्रीब्यूशन लैंड के ऊपर हुई है वो बिकॉज ऑफ वाटर और सोल्यूट के गेन और लॉस की वजह से हुई है। ऑस्मो रेगुलेशन ने बड़ा सिग्निफिकेंट रोल इसमें प्ले किया। थर्मो रेगुलेशन, उसके अलावा सिग्नी ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स के अंदर भी है, प्लांट्स के अंदर भी है, वो सिलेबस से आउट है। थर्मो रेगुलेशन डेफिनेटली द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर इन अ नैरो रेंज अकॉर्डिंग टू द फ्लक्चुएशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। इसकी भी टर्म कही गई है कि इसको डिफाइन करें तो होम्योस्टेटिक सिस्टम फैसिलिटेट करते हैं एक तो थर्मो रेगुलेशन को, दूसरा ये है कि होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट हाइपोथैलमस के अंदर है, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और एक सेट टेम्परेचर है ह्यूमन की अगर हम बात करें जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसी को अगर एमसीक्यू उस पर अप्लाई करें जो क्वेश्चन आ चुके हैं। द ह्यूमन हैव होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट प्रेजेंट इन स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द ब्रेन, तो ब्रेन के कौन से स्पेसिफिक पोर्शन के अंदर ये होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट जो है वो मौजूद होता है, तो इसका जो राइट
ऑप्शन बनेगी है, चूंकि ऊपर अभी हम पढ़ चुके हैं कि वो हाइपोथैलेमस, इसका डेल्टा ऑप्शन डी ऑप्शन इसका बनेगा। थर्मोरेगुलेशन को अगर हम कॉन्सेप्ट में देखें कि मैकेनिज्म इंक्रीज टेम्परेचर में किस तरीके से ये रेगुलेट करेगा और डिक्रीज टेम्परेचर में कैसे करेगा, तो थर्मोरिसेप्टर स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है नॉर्मल सेट पॉइंट से अगर इंक्रीज हो जाए तो रिसेप्टर मौजूद है स्किन के अंदर जो कि सेंड करेंगे सिग्नल हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस सिग्नल टू स्किन एंड ब्लड वेसल्स। स्किन के अंदर स्वेटिंग ब्लड वेसल में जो ब्लड है वो सरफेस के ऊपर आएगा स्किन के नीचे, इंक्रीज द फ्लो ब्लड फ्लो टू स्किन और एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से हीट लॉस होती है और टेम्परेचर अगेन सेट पॉइंट की तरफ आ जाता है। तो ये एक मैकेनिज्म है हाई टेम्परेचर यानी इंक्रीज नॉर्मल से हो जाए, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट में डिक्रीज हो जाए कम हो जाए तो फिर कोल्ड रिसेप्टर जो होते हैं वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल देंगे, वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, कंजर्वेशन ऑफ हीट होगी और इनहिबिशन ऑफ स्वेटिंग, स्वेटिंग नहीं है, शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होगा जिस तरीके से हीट को जनरेट किया जाएगा। टेम्परेचर इन फीवर अगर देखें हम परेक्सिया तो कुछ बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शियस जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं नंबर में और प्रोड्यूस करते हैं कुछ सर्टन केमिकल जिनको हम पैराजेंस कहते हैं और ये पैराजेन डिस्प्लेस करते हैं सेट पॉइंट जो हाइपोथैलेमस के अंदर होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट है जो कि नॉर्मल होता है 37 के ऊपर, उसको ये रिप्लेस करेंगे। और फेवर या हाई टेम्परेचर का एक बेनिफिट भी है कि ये स्टिमुलेट करता है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट द पैथोजेंस। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर ECMCQs को हम यूज करते हैं ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन ए टॉलरेबल रेंज, टॉलरेबल रेंज तो उसको हम क्या डेजिनेट करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। ये इससे रिलेटेड MCQs है। ये डायग्राम टेक्स्ट बुक की है जिसमें थर्मोरेगुलेशन का जो मैकेनिज्म है उसको समझाया गया है। होम्योस्टेसिस जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है इसकी ये रेंज है, दिस इज द रेंज 36.1 टू 37.8। और अगर ये इम्बैलेंस हो जाए लाइक दिस, इंक्रीज हो जाए, प्लस का साइन दिया है और ये नेगेटिव का साइन है, तो उस सूरत में इम्बैलेंस जब होगा तो थर्मोस्टेट जो हाइपोथैलेमस के अंदर मौजूद है वो एक्टिवेट करेगा कूलिंग मैकेनिज्म्स को। कैसे? स्किन ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगी और कैपिलरीज फिल विद द वार्म ब्लड हीट रेडिएट फ्रॉम द स्किन, ये एक मैकेनिज्म होगा। दूसरा, स्वेट ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, इंक्रीज करेंगे एवेपोरेटिक कूलिंग को। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, एक ये वाला और दूसरा ये, दोनों तरह से हीट को लूज किया जाएगा और बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर रहा है बॉडी टेम्परेचर और थर्मोस्टेट शट द कूलिंग ऑफ मैकेनिज्म, तो टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाएगा अगेन, ये यहां पे आके बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन में अगेन ये इम्बैलेंस हो कि दूसरी सिचुएशन के अंदर यहां से ये जो स्टार्ट हुआ था, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए बॉडी में तो फिर ये ऊपर वाला सारा मैकेनिज्म चलेगा, और अगर टेम्परेचर फॉल कर जाए तो अगेन ये जो टेम्परेचर है वो हाइपोथैलेमस के जो सेट पॉइंट है उसको सिग्नल देगा और थर्मोस्टेट जो है वो हाइपोथैलेमस में एक्टिवेट करेगा वार्मिंग मशीन को, जिसके अंदर दो तरह की एक्टिविटी होंगी कि स्किन ब्लड वेसल्स जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी और डाइवर्टिंग ब्लड फ्रॉम स्किन टू द डीपर एरिया और रिड्यूस करेंगी हीट लॉस को जो कि स्किन से हो रहा है। और दूसरा, जो स्केल्टन मसल है वो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और जो हार्मोनल है वो नॉन थर्मोजेनेसिस जो मैकेनिज्म है, दोनों तरीकों से हीट को जो है वो जनरेट किया जाएगा और बॉडी टेम्परेचर अगेन जो है वो चलता हुआ सेट पॉइंट की तरफ आएगा और स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी दिखाई गई है कि किस तरीके से मेंटेन किया जाता है होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट्स को। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।